गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं द कॉमर्स के कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां पे हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी करने वाले हैं। तो एक बार गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एवरीवन, सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, जो भी लाइव नहीं आया हमारे लर्नर्स उन सभी को एक बार फटाफट से लाइव बुला लेंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों की तैयारी करने का मौका मिलता है। अगर आपको कॉमर्स में नेट जेआरएफ करना है तो दीज आर द बेस्ट क्लासेस जो कि आप लोगों के लिए डेली होती है। दीज आर द क्लासेस जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती है। मैं एक दिन भी क्लास ऑफ नहीं करती हूँ आप लोगों के लिए, और बेस्ट एमसीक्यूज जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चाहे एमसीक्यूज हो, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ जो कि आपके बेस को बिल्डअप करने का काम करते हैं। सो गाइज, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दिस इज द डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द NTUGC नेट प्रिपरेशन, जहाँ पेपर वन पेपर टू दोनों आप लोगों को अवेलेबल है। डेली हमारी क्लास होती है 8 PM इवनिंग, डेली मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आती हूँ। तो इंटरेस्टेड लर्नर्स, अगर आप कॉमर्स में नेट जेआरएफ करना चाहते हो तो डेफिनेटली रोज शाम आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 8 बजे। इसके अलावा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी आप लोगों को मेरी फ्री लाइव क्लासेस मिल जाएगी। अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे मेरी जो फ्री लाइव क्लास होती है वो 12 PM आफ्टरनून में होती है। ठीक है जी, 12 PM आफ्टरनून में मेरी क्लास होती है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा कॉमेंट सेक्शन में, वहाँ पर जाके आप नोटिफाई भी कर सकते हैं क्लास को। ठीक है, लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोटिफाई भी कर लें। और नोटिफाई भी करने के लिए अगर आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे न्यू है तो इस क्लास को नोटिफाई भी करने के लिए Pooja10 कोड आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूजा वर्मा के नाम से आप लोगों को मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक भी अवेलेबल है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक कहाँ पे अवेलेबल है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स और लाइव चैट दोनों में अवेलेबल है। वहाँ से आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं ताकि दोनों क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, पेपर वन एंड पेपर टू। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों को जो है क्लासेस अवेलेबल है, चाहे फ्री क्लासेस हो या फिर पेड कोर्सेज। पेड कोर्सेज में आप लोगों को दो कोर्सेज अवेलेबल है, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या मेजर डिफरेंस है? एज यू कैन सी, आइकॉनिक में आपको मिल जाता है कुछ एक एडिशनल बेनिफिट्स। ठीक है, जैसे कि पर्सनल कोच है, स्टडी प्लानर है, स्टडी बूस्टर सेशन है, इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करने का मौका मिल जाता है, और बेस्ट पार्ट इज द स्टडी मटीरियल। तो ये कुछ एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। ठीक है जी, अब देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है? सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अगर आप प्लस पे मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, चाहे पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पूरा कोर्स मिल जाता है, यूनिट वाइज आपको स्टडी करने का मौका मिल जाता है। अगर आप यूनिट वाइज स्टडी करना चाहते हैं तो वो आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा PDF नोट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर PDF नोट्स आपको मिल जाते हैं। PUJ10 ये मेरा रेफर कोड है, एंड फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ये कोड आप लगा सकते हैं। अगर आप कोई भी अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट चाहते हैं तो ये कोड आप लगा सकते हैं। यहाँ पे प्लस अगर आप लेना चाहें तो प्लस पे आप जा सकते हैं। प्लस पे सबसे अवेलेबल पैक 12 महीना 24 महीना है, एंड ये जो गिफ्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा है यहीं पर आपने कोड लगाना है Pooja10 फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे जाना चाहें तो आइकॉनिक पर भी जा सकते हैं। EMI और कैश दोनों ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल है। ठीक है जी, और काफ़ी जल्दी आपके 1 महीना और 3 महीने की सब्सक्रिप्शन प्राइसेस भी जो है इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा काफ़ी सारे बैचेस जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, इनमें भी आप पार्ट ले सकते हैं, जो कि अक्टूबर एग्जाम को लेके हैं। जून एग्जाम को लेके मैं आप लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ, न्यू एंड फ्रेश फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ, जहाँ पे आपको 10 के 10 यूनिट्स जो है एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिटेल में मैं आप लोगों को सभी 10 के 10 यूनिट करवाने वाली हूँ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो अगर आपको जून एग्जाम वन शॉट क्लियर करना है तो आप मेरे प्लस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आपने आंसर करना है। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे आपको जॉब एनालिसिस दिए गए हैं और उन जॉब के कुछ एक एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं।
ठीक है जी, जैसे कि पेरोल प्रोसेसिंग क्या है, कंपनसेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, कंपनसेशन डिजाइन मैनेजर क्या है, कंपनसेशन स्पेशलिस्ट क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर्म, साइनिंग पे चेक्स, ये क्या है ये आपको बताने हैं। ठीक है जी, फटाफट से गाइज इन्हें आपको मैच करना है, फटाफट फटाफट मैच करेंगे सभी। चलिए जी, तो आंसर करेंगे, बारिश बहुत ही ज्यादा आ रही है मेरे यहाँ पे आज, तो इसलिए काफी वही तेज बारिश वाला मौसम हो रहा है, मतलब वही चीज है, बिन मौसम बारिश हो रही है भाई। चलिए, तो जॉब एनालिसिस क्या है ये आपने बताना है, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि पेरोल प्रोसेसिंग, पेरोल प्रोसेसिंग क्या है, सभी ने आंसर करना है। देखिए गलत सही वो बात की बात है, वो हम लोग देख लेंगे, बट आपको बताना है फिलहाल करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब करेक्ट मैचिंग क्या होगा। पेरोल प्रोसेसिंग क्या है, एक टास्क है, एलिमेंट है, ड्यूटी है, पोजीशन है, जॉब है या फिर ऑक्यूपेशन है। पेरोल प्रोसेसिंग ये क्या है, ये क्या है मेरी, फटाफट से बताइए पेरोल प्रोसेसिंग क्या है। ये मेरी एक ड्यूटी है, पेरोल प्रोसेसिंग इज अ ड्यूटी। ठीक है, फिर हमारे आ जाएंगे टास्क है, एलिमेंट्स है। ठीक है, तो टास्क की अगर बात की जाए तो टास्क क्या है, जैसे कि कंपनसेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर, कंपनसेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर ये क्या है, ये मुझे बताइए क्या ये जॉब है या फिर एक ये पोजीशन है। द कंपनसेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर दिस इज, ये क्या है, ये क्या है, ये मेरी एक पोजीशन है, ध्यान रखिएगा। और कंपनसेशन डिजाइन मैनेजर, आई एम ए कंपनसेशन डिजाइन मैनेजर, ये क्या है, ये क्या है मेरी, मेरी जॉब है, ध्यान रखिएगा ये मेरी क्या है, ये मेरी जॉब है, क्लियर है। नेक्स्ट आपके सामने है कंपनसेशन स्पेशलिस्ट, आई एम ए कंपनसेशन स्पेशलिस्ट, तो ये क्या है, ये एक ड्यूटी है, टास्क है, टास्क है, एलिमेंट है और ऑक्यूपेशन है। ठीक है, तीन ही ऑप्शन है हमारे पास अभी फिलहाल के लिए। तो ये क्या है, कंपनसेशन स्पेशलिस्ट इज ए ऑक्यूपेशन, ये एक ऑक्यूपेशन है। फिर है प्रिपेयरिंग फॉर्म्स, प्रिपेयरिंग फॉर्म्स ये क्या होते हैं, फॉर्म्स को प्रिपेयर करना है भाई, ये एक टास्क है। ठीक है, जस्ट अ टास्क, ये हमारा क्या है, टास्क है। और साइनिंग पे चेक्स, साइनिंग पे चेक्स ये क्या है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, दिस इज जस्ट एन एलिमेंट। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा मैच हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे डेफिनेटली बिल्कुल शत प्रतिशत करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर किया है भाई, वेरी गुड, कीप इट अप योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी एचआरएम का ही क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वन पार्टी गेन्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, किस टाइप की कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक पार्टी दूसरे पार्टी के एक्सपेंस पे मुनाफा कमाती है, ये बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सामूहिक सौदेबाजी में एक पक्ष दूसरे पक्ष की कीमत पर लाभ प्राप्त करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में, सेंट्रलाइज बार्गेनिंग में या फिर नन ऑफ द अबव। बार्गेनिंग आपको ध्यान में रखना, बार्गेनिंग का टॉपिक हमारे एचआरएम में स्पेसिफाइड है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक स्पेसिफाइड है और कलेक्टिव बार्गेनिंग के कितने टाइप्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं बता दूंगी वैसे तो, बट आपने देखिए खुद से भी पता होने चाहिए। ठीक है, ये झील हमारे अंदर खुद के अंदर होनी चाहिए, जानने की इच्छा जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, वितरक सौदेबाजी, एकीकृत सौदेबाजी, केंद्रीकृत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा गाइस ध्यान रखिएगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग।
डिस्ट्रीब्यूटिंग बार्गेनिंग देखिए एक तरीके का नेगोशिएटिव बार्गेनिंग है, जहाँ पे क्या करता है एक पार्टी को थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं लॉस लगता है, उसका एक्सपेंस होता है, और दूसरी पार्टी जो है उसके एक्सपेंस पे गेन करती है. सो दिस इज एन एग्जांपल, मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग. ये डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में होता है. इसके अलावा काफ़ी सारे टाइप्स होता है बार्गेनिंग के. डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग होती है हमारी, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग होती है, एटीट्यूडनल बार्गेनिंग होती है, एटीट्यूडनल रिस्ट्रक्चरिंग बार्गेनिंग होती है, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग होती है. ये क्या होते हैं वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं. सबसे पहले आती है हमारी द डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग. तो अंडर इट द इकोनॉमिक इश्यूज लाइक वेजेस, सैलरीज एंड बोनस आर डिस्कस. इन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग वन पार्टीज गेन इज अनदर पार्टीज लॉस. ठीक है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग. डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में ध्यान रखिएगा कौन से इश्यूज को कंसिडर किया जाता है जो कि इकोनॉमिक कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि वेजेस हो गई, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, ये सब कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के अंदर आते हैं. इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में क्या आता है हमारा, दिस इन्वॉल्व्स द नेगोशिएशन ऑफ एन इशू ऑन विच बोथ द पार्टीज में गेन. ये एक ऐसा नेगोशिएशन होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज को क्या हो सकता है, गेन हो सकता है, और एटलीस्ट नाइदर पार्टी लोजेस. या ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है जहाँ पे किसी भी पार्टी को लॉस ना हो. ठीक है, फिर नेक्स्ट है एटीट्यूडनल रिस्ट्रक्चरिंग. दिस इन्वॉल्व द शेपिंग एंड रीशेपिंग सम एटीट्यूड्स लाइक द ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, फ्रेंडलीनेस, ऑनेस्टी, हॉस्टिलिटी बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट. उसे एटीट्यूडनल रिस्ट्रक्चरिंग बार्गेनिंग कहते हैं. नेक्स्ट है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन बार्गेनिंग. तो ये होता है, इट जनरली एम्स एट रिजॉल्विंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स. दिस टाइप ऑफ मैन्यूवियरिंग टू अचीव द कॉन्सिक्वेंसेज विच द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट विद इन द यूनियन. दे मे बी डिफरेंसेज बिटवीन द ग्रुप्स. ठीक है, there may be differences within the group. तो मतलब within the group जब bargaining होती है that will be known as the intra-organizational bargaining. उसे क्या क्या कहते हैं, उसे intra-organizational bargaining कहते हैं. ठीक है, ये कुछ एक type है आपके bargaining की. ठीक है, चलिए next question आपके सामने, इसका answer हमारा ये होगा distributive bargaining. क्यों होगा ये मैंने बता दिया. चलिए next question है, which one of the following dispute settlers cannot make a binding decision. निम्नलिखित में से कौन सा विवाद समाधानकर्ता बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकता है. आर्बिट्रेटर, एडजुडिकेटर, कंसिलिएटर और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मेंबर, मध्यस्थ, न्याय निर्णायक, सुलहकर्ता या औद्योगिक न्यायाधिकरण सदस्य. निम्नलिखित में से कौन सा विवाद समाधानकर्ता बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकता, मतलब वी आर नॉट बाइंडिंग. ठीक है, ऐसा मतलब कौन से किसके केस में वी आर नॉट बाइंडिंग टू, जो भी डिस्प्यूट सेटलर है उसने जो डिसीजन लिया ना उसके ऊपर हम लोग बाइंडिंग नहीं है. हमारी इच्छा है तो मानेंगे, नहीं होगी तो नहीं मानेंगे. वो वाली चीज यहाँ पे पूछी जा रही है आपसे. तो वो कौन सा है भाई जिसका डिसीजन हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, मतलब बाध्य नहीं है हम लोग कि मानना ही पड़ेगा. जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो हमें मानना ही मानना पड़ेगा, तो वही चीज है. और किसका, किसने बोल दिया तो नहीं मानेंगे तो भी चलेगा भाई. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आर्बिट्रेटर, एडजुडिकेटर, कंसिलिएटर, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मेंबर. तो देखिए आर्बिट्रेटर मध्यस्थ होता है. आर्बिट्रेटर का फैसला देखिए, अगर आपने किसी को मध्यस्थ बनाया है और ठीक है, अगर आप किसी के पास अपनी प्रॉब्लम लेके गए और वो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, आर्बिट्रेटर का रोल प्ले कर रहा है, तो उसका फैसला बाइंडिंग होता है, ध्यान रखिएगा. फिर होता है एडजुडिकेटर. एडजुडिकेटर तो भाई जब न्यायिक निर्णय है तो वहां पे तो हमें बात माननी पड़ेगी, तो इसका फैसला भी हमें बाध्य करता है. उसके बाद आता है हमारा डी ऑप्शन है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मेंबर. अगर मैं किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की न्यायाधिकरण किसी प्रक्रिया की मैं हिस्सा हूं तो मुझे उसका फैसला मानना पड़ेगा. तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का फैसला भी या उसका डिसीजन भी मेरे लिए बाइंडिंग है. बट किसका नहीं है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी. कंसिलिएटर का जो फैसला है वो एक भाई सलाह करता है या सुलह करता है. सुलह करता है, भाई खुद से आ गए सुलह करवाने, तो उसका फैसला हमारी इच्छा है, मानेंगे तो मानेंगे, नहीं मानना तो नहीं मानेंगे. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ensuring the safety, health and welfare of the employees is the primary purpose of which one of the following acts. ये किस act का
प्राथमिक उद्देश्य है। कर्मचारी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना निम्नलिखित में से किस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है? द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, द इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 और द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ये किसका एक फैसला है, मतलब किसका एक भाई प्राइमरी जो है आप कह सकते हैं उद्देश्य है, पर्पस है। इजी वन है, आराम से आप आंसर कर सकते हैं, ए बी सी डी। तुक्के मत लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बात बन जाए, कंपेयर करेंगे ऑप्शन को तो भी बात बन जाए, है ना। तो तुक्के वाली बात नहीं आनी चाहिए भाई कि तुक्के लगा रहे हैं। यहां पे करेक्ट आंसर गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए, द फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज द करेक्ट आंसर, इसी में कहा गया है। बाकी सब तो देखिए वेजेस की बात कर रहे हैं, रेमुनरेशन की बात कर रहे हैं, या फिर किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्यूट्स की, ठीक है, ये इनकी बात कर रहे हैं। जबकि सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, ये कौन बात करता है, ये बात की जाती है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन आपको मैच करना है पेंशन स्कीम में क्या होता है, पर्सनल सिक्योरिटी क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस और अलाउंसेस, इसको आपको मैच करना है लिस्ट टू के आइटम्स के साथ, हेल्थ केयर ऑफ फैमिली, सेवरेंस पे, प्रोविडेंट फंड, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या मतलब इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखें बढ़िया क्वेश्चन, इजी वन है। यहां पे बहुत ही इजी है, देखिए पेंशन स्कीम क्या है, पेंशन स्कीम इज अ प्रोविडेंट फंड, ये किससे मैच होगा हमारा, प्रोविडेंट फंड से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। पेंशन स्कीम क्या है हमारा, ये हमारा प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। पर्सनल सिक्योरिटी दिस इज द हेल्थ केयर फॉर द फैमिली, ये क्या है, हेल्थ केयर है फैमिली के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंट, सेवरेंस पे इज ए फाइनेंशियल असिस्टमेंट, ठीक है, किसी का अपने पैसों से मदद करती है। अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये तो भाई इसी से करेक्टली मैच हो रहा है, द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इजी वन क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो था हमारा इनकम टैक्स का था, ठीक है, टैक्स का क्वेश्चन था। पेंशन स्कीम एक प्रोविडेंट फंड है, पर्सनल सिक्योरिटी दिस इज अ हेल्थ केयर फॉर द फैमिली, फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है, दिस इज मतलब सेवरेंस पे, किसी का पे आपने कर दिया तो फाइनेंशियल मदद आपने की है, फाइनेंशियल असिस्टेंस असिस्ट आपने किया, असिस्टेंस दिया है आपने। अलाउंस, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक अलाउंस है, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपको एग्जामिन करना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कुछ एक स्टेटमेंट से उनको एग्जामिन करना है और फिर आपको करेक्ट वन चूज करना है। तो स्टेटमेंट नंबर वन है आपके सामने और स्टेटमेंट नंबर टू है, फाइंड आउट करना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एफ आई आई डू नॉट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, दे पार्टिसिपेट ओनली थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस। एफ आई आई जो है इन्वेस्ट नहीं करते अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के अंदर और दे पार्टिसिपेट ओनली थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और एफ आई आई कैनॉट इन्वेस्ट एट द टाइम ऑफ इनिशियल अलॉटमेंट। एफ आई आई जो है मतलब फाइनेंशियल जो है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, आपको ध्यान में रखना है एफ आई आई का फुल फॉर्म क्या है। तो ये जो है ये इनिशियल जो अलॉटमेंट होता है ना, मतलब जो फर्स्ट टाइम आई पी ओ आता है किसी भी कंपनी का, उस केस में ये जो है क्या नहीं करते हैं, उस केस के अंदर ये जो है इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्या,
फटाफट से देखेंगे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गाइस जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हमारे गलत है। क्यों गलत है? एफआईआई जरूरी नहीं है लिस्टेड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ये अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ ये प्राइमरी या जो इनिशियल अलॉटमेंट होता है वहां पर भी ये जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल अलॉटमेंट में भी इनका क्या जा सकता है, इन्वेस्टमेंट जा सकता है। सो द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एंड द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लिस्ट वन है, अगेन लिस्ट टू के साथ मैच करना है। मैं अगेन आई एम सेइंग यू, आपको मैच द फॉलोइंग का स्टेटमेंट्स का असर्शन इज इन के काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया और चार ऑप्शन दिए, ऐसे कम क्वेश्चन आएंगे और पेपर को लेंथी सेट किया जाएगा ताकि आपको करने में थोड़ी दिक्कत हो, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन को अगर आप चार बार भी प्रैक्टिस करते हो ना तो मेरी मानना बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो आप, क्यों? क्योंकि इससे टॉपिक तो क्लियर होता ही है, क्वेश्चन का भी फॉर्मेट हमें समझ में आने लग जाता है ना। ऐसा नहीं एक बार एक चीज को एक बार देखोगे कोई मतलब नहीं है, रिविजन जब तक नहीं होगा ना तब तक कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि रिवीजन से ही हमें चीजें क्लियर होती है, चीजें याद भी आती है। सारा काम भाई, सारा खेल रिवीजन का है, मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज जितना करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है आपको। सार्क, एशियन, ईयू और नाफ्ता, इनके भाई हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? फिलीपींस, कनाडा, अफगानिस्तान और हंगरी। सार्क है, एशियन है, एशियन है, ईयू है और नाफ्ता है, इनके जो हेडक्वार्टर्स है ये कहां पर है? द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सार्क का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। एशियन का जो है ये कहाँ पर है हमारा? ये हमारा फिलीपींस में है, ध्यान रखेंगे। ईयू का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा हंगरी में है, और नाफ्ता का तो आपको पता ही कनाडा के अंदर है, बहुत ही फेमस है भाई, कनाडा के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंड द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर द क्रिटिसिजम्स, विच अमंग द फॉलोइंग आर द क्रिटिसिजम्स गिवन अगेंस्ट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेके क्या क्या क्रिटिसिजम्स जो है वो दिए गए हैं? द क्रिटिसिजम्स गिवन अगेंस्ट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन, इट हैज डोमिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिच कंट्रीज फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इट एनकरेजेस अ रेस टू द बॉटम इन द वेजेस बाय पिटिंग वर्कर्स अगेंस्ट ईच अदर रेदर देन प्रमोटिंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज लेबर स्टैंडर्ड्स, और इट सीकिंग टू प्राइवेटाइज एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज। तो आपको बताना है कि कौन कौन से क्रिटिसिजम्स जो है WTO के लिए दिए गए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके जो पहले ट्रीटी साइन थी उसको रिप्लेस करके हमारे लाया गया है, ये भी आपको बताना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसका रिप्लेसमेंट है? 1995 में इसको रिप्लेस किया गया था, किसे रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था? बहुत बार मैंने करवाया है, IB के क्वेश्चंस करवाए हैं, तब बहुत 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 बार बताया है आपको, और आई थिंक ऑलमोस्ट आना भी चाहिए सभी को, इजी सा है।
क्रिटिसिजम्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अभी भी बहुत सी चीजों पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, मतलब फेयरनेस नहीं है अगर कहा जाए तो, वर्किंग के अंदर इसकी कोई फेयरनेस नहीं है। अभी जैसे कोविड में भी भाई काफी चीजें हुई थी, बट फिर भी क्या करें, है ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, इन सभी के बेसिस पे इसको क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है। सभी के बेसिस पे इसको क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है। ये डेमोक्रेटिक, नॉट ए डेमोक्रेटिक, मतलब यहाँ पे डोमिनेंस चलता है, जो मेजर प्लेयर्स है उन्हीं की बात रखी जाती है, मानी जाती है। तो डेमोक्रेटिक नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। इट हैज अ डिनोमिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिच कंट्रीज फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर इंडिविजुअल बेनिफिट्स, ठीक है। ये जो है मतलब एक ट्रेड पैरिटी या लेबर्स को लेके लेबर स्टैंडर्ड, मतलब एक ऐसे स्टैंडर्ड बनाना जो कि इंटरनेशनली हर एक कंट्री के द्वारा अडॉप्ट किए जाए, ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए गए हैं। और प्राइवेट प्राइवेट कर रहा है एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज को। तो ये जो है ये थोड़ा सा अगर प्राइवेटाइजेशन होता जाएगा तो आपको ही पता है गरीब और गरीब और अमीर और अमीर होता जाएगा, ये ट्रू बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है गाइस, एवरीवन क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, अगला प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डोमेस्टिक करेंसी टेंड्स टू डेप्रिशिएट ओनली। डोमेस्टिक करेंसी टेंड्स टू डेप्रिशिएट ओनली, द कॉन्स्टेंट इन्फ्लेशन रेट, लोअरिंग ऑफ इन्फ्लेशन रेट, हाई इन्फ्लेशन रेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। घरेलू मुद्रा के कारण मूल्य ह्रास होता है, किस किस रेट के कारण होता है। डोमेस्टिक करेंसी टेंड्स टू डेप्रिशिएट ओनली, किसको भाई, किसके कारण ये डेप्रिशिएट होती है हमारी। हाई इन्फ्लेशन रेट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द हाई इन्फ्लेशन रेट। देखिए अगर इन्फ्लेशन रेट, अगर मुद्रा स्फीति की जो दर है अगर वो हाई होगी तो उससे डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। भाई निरंतर जो है महंगाई बढ़ती जाएगी तो उससे हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या होती जाती है, डेप्रिशिएट होती जाती है, घटती जाती है। और ध्यान रखिएगा डेप्रिशिएशन जो होता है वो डिमांड और सप्लाई के कारण होता है, मतलब डिमांड और सप्लाई क्या है करेंसी की, और मतलब क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है उसके बेसिस पे होता है, मतलब अल्टीमेटली मार्केट फोर्सेस के कारण, मार्केट फोर्सेस के कारण, मार्केट फोर्सेस के कारण क्या होता है हमारी जो करेंसी वो क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। क्लियर है जी, क्या होती है हमारी करेंसी, डेप्रिशिएट होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशन, ए बी आपको दो कंडीशंस दी गई है, इन दोनों कंडीशंस को आपको कंसिडर करना है एंड बताना है कि विच कंडीशन इज ट्रू। ए है आपके सामने, एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज गेटिंग हिज सैलरी इनकम एंड। और पॉइंट नंबर बी में आपको बोला गया है, एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही गेट्स हिज सैलरी एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द फोर ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग टू दैट फाइनेंशियल ईयर। If one of the above condition is satisfied as per the provisions of the Income Tax Act 1961, he, तो वो क्या करेगा, मतलब उसे क्या माना जाएगा, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्या माना जाएगा उसको, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे इसे।
देखिए, एक इंडिविजुअल इंडिया में रहता है 182 दिन फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज गेटिंग हिज सैलरी, ओके। और बी पॉइंट में भी दिया गया है, एन इंडिविजुअल इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही गेट इट सैलरी एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रेसिडिंग ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। तो मतलब वो पर्सन जो है वो क्या माना जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा, उसे क्या माना जाएगा, ही इज कंसिडर्ड एज द ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है जी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, सो चलिए गाइस, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लास, और अगर क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छी लगी हो, तो भाई एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा जून एग्जाम को लेके आप लोगों के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर द एग्जाम, मतलब 25 अक्टूबर के बाद आपके न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू एंड फाउंडेशन बैचेस, ओके, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी अक्टूबर एग्जाम को लेके हमारे बैचेस चल रहे हैं, उनका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। आज ही अपना आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पूजा 10 मेरा रेफरल कोड है, ये कोड लगा के आप अनअकैडमी का किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आप ले सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा फ्री क्लासेस जो होती है, जो कि आपके अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे होती है, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे एडिशनल बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स का भी आप फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इनएप्रोप्रिएट कॉन्टेंट अगर आपको वीडियो में नजर आता है, तो डेफिनेटली आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लास एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर टेकिंग द क्लास एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ गुड नाइट।